के लिप के ऊपर जो स्वेलिंग है ये केलोइड कहते हैं इसको इसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी बहुत इफेक्टिव होता है तीन से चार सेशन करने की ज़रूरत होगी आज फर्स्ट सेशन हम लोग कर रहे हैं और यही स्किन जो भी ऊंचा है मोटा सा उठा हुआ दिख रहा है ये फ्लैटन होकर के बराबर हो जाएगा इस ट्रीटमेंट से तो आज फर्स्ट सेशन अल्ट्रासोनिक थेरेपी फॉर केलोइड हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपोट्रॉफिक स्कार और किलवाड़ का ट्रीटमेंट ऑलवेज चैलेंजिंग रहा है किसी भी प्लास्टिक सर्जन डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए आपका मोस्टेज के ऊपर राइट साइड में नेजल एला के बगल में एक हाइपोट्रॉफिक स्कार या किलवाड रहता था जो रोड एक्सीडेंट के बाद हुआ था रोड कैसे चोट लगा था रोड में लगा था और सबसे पहली बार ट्रीटमेंट इसमें अभी से नौ महीने पहले सेकेंड मार्च को किए थे हम लोग और इसके बाद फिर दो सेशन और भी किए थे या एक ही किए थे बाद में फिर हाँ दो सेशन फिर बाद में किए थे तो इसमें हम लोग जो अल्ट्रासोनिक थेरेपी इंट्रालेजनल इंजेक्शन एंड लेजर सारी चीजों का यूज करते हैं और इसके इफेक्ट से अभी ये दिख रहा है कि काफी हद तक सेटल्ड है अभी भी पूरा खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन अगर ऐसे बताएं तो लगभग एट्टी परसेंट हो चुका है क्या आप, आपको लगता है कि अस्सी परसेंट खत्म हो गया और अब एकदम अचानक से देखने में बहुत ओवियस नहीं दिखता है कि आपके चेहरे पर कुछ ऐसा था जबकि वो एकदम दिखता था कि एक अच्छा खासा उठा हुआ पीनट साइज का एक मास था हार्ड इचिंग पेन सब कुछ उसमें होती थी उस समय और अब ये रिजॉल्व हो गया है काफ़ी सेटल्ड है तो आज फिर से एक सेशन हम लोग कर रहे हैं और एक सेशन शायद और दो ढाई महीने के बाद करें और इतने में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा